भारतीय नौसेना समुद्र में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है और इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो INS मोर्मुगाव है उसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया और इस तरह से जो ताकत है भारतीय नौसेना की वो बहुत ही बढ़ चुकी है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस ये मोर्मुगाव यहाँ मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर है। यहीं पर अभी कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे नौसेना को सुपुर्द किया है, इसीलिए अब ये INS मोर्मुगाव के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल ही स्वदेशी तकनीक से लेकिन अति अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये मोर्मुगाव शिप पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है जो कि सतह पर मार कर सकती है। MR-SAM मिसाइल है जो कि सतह से हवा में मार कर सकती है। इसके साथ ही टॉर्पीडोज हैं, लॉन्चर हैं जो कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर अगर कोई सबमरीन है, खतरा बनती है तो उसे भी मार गिरा जा सकता है। और जो मेन गन है उसके जरिए भी सामने से अगर कोई खतरा आकाश से आता है तो उसे भी मार गिरा जा सकता है। तो हर जो मिसाइल है, अत्याधुनिक हथियार है, उनसे लैस ये युद्धपोत एक उदाहरण है भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का और साथ ही स्वदेशीकरण का कि किस तरह से स्वदेशी तकनीक के तहत, क्योंकि मझगांव डॉक में पूरी तरह से बनी है ये, इसके 70% जो मशीनरी है और जो हथियार हैं वो स्वदेशी तकनीक से बने हुए हैं जो कि स्वदेशी निर्माण में, मेक इन इंडिया में बढ़ता हुआ भारत का ये कदम है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े ही साफ शब्द में कहा कि भारत सिर्फ मेक इन इंडिया की तरफ ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ भी बढ़ रहा है, यानी कि अब हम न सिर्फ अपने लिए इस तरह के हथियार या युद्धपोत बनाएंगे बल्कि हम इस तरह के युद्धपोत लोगों के लिए, दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बना सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात कही कि एक समय ऐसा था जब भारत की कहीं विश्व पटल पर सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन आज जो भारत की जिस तरह से ताकत बढ़ी है उससे जब भी भारत कुछ बोलता है तो पूरा विश्व उसका उसे सुनना चाहता है, यानी एक बहुत बड़ी बात है। और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, समुद्र में ताकत जिस तरह से तेजी बढ़ रही है, उस तरह से पूरी दुनिया में भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और उस शक्ति का परिचायक है भारतीय नौसेना भी जो कि लंबे समुद्री किनारों की न सिर्फ सुरक्षा करती है बल्कि जो कारोबार होते हैं समुद्र के जरिए उसकी रक्षा भी करती है, उसमें भी एक तरह से मदद करती है। तो भारत के लिए और नौसेना के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। कल यानी 19 दिसंबर को जब गोवा का मुक्ति दिवस है उसके पूर्व संध्या पर इस मोर्मुगाव जो युद्धपोत है, विनाशक है, उसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। और ये बड़ी बात, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है स्वदेशी तकनीक की तरफ। और साथ ही चूंकि गोवा मुक्ति दिवस के, चूंकि ये मोर्मुगाव शिप युद्धपोत का नाम, मोर्मुगाव जो गोवा का एक सबसे पुराना और ऐतिहासिक बंदरगाह है उसके नाम पर है, इसीलिए आज के दिन गोवा मुक्ति दिवस के पूर्व संध्या पर इस युद्धपोत के नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत ही गर्व की बात है, खास करके गोवा के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। और ये परिचायक है समंदर में बढ़ती भारतीय नौसेना की ताकत और डिजाइन और जहाज निर्माण में बढ़ती स्वदेशी तकनीक की उपलब्धि। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से कैमरामैन अशोक महाडिक, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।